पाकिस्तान के मारूफ अदाकार फिरोज खान की साबका अहलिया अलीज़े सुल्तान के इल्ज़ामात पर मशहूर शख्सियात ने रद्द अमल दिया है। हाल ही में फिरोज खान और अलीज़े ने महीनों की अलीहदगी की अफवाहों के बाद इस बात की तस्दीक की है कि दोनों ने कानूनी तौर पर अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। अलीज़े ने फिरोज पर शादी के दौरान मुसलसल जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है, ताहम फिरोज खान अपने बच्चों से मुलाकात के लिए फैमिली कोर्ट पहुँच गए हैं। अब बहुत सी मशहूर शख्सियात ने अलीज़े सुल्तान के इल्ज़ामात पर रद्द अमल का भी इजहार किया है। पाकिस्तानी अदाकारा मेहर बानो ने अपने ऑफिशियल अकाउंट इंस्टाग्राम पर फिरोज के गैर मुतवक्का रवैये पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए अलीज़े की इस मुश्किल वक्त में एक मजबूत कदम उठाने की हिमायत की है। जबकि अदाकार फैज़ान शेख का कहना है कि मैं इस खबर पर हैरान हूँ और वो समझते हैं कि जब ही फिरोज खान इतनी आसानी से स्क्रीन पर ऐसे जहरीले किरदार अदा कर रहे हैं। मशहूर अदाकारा मिशी खान ने अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, वो स्क्रीन पर जो नफ्सियाती किरदार अदा करते हैं वो लगता है हकीकत में भी ऐसे ही होंगे। अदाकारा और मॉडल इफ़त उमर का कहना था कि मैं अलीज़े सुल्तान से मुत्तफिक हूँ क्योंकि मैंने फिरोज़ के साथ काम किया है और मुझे अंदाज़ा है कि वो किस तरह का इंसान है। मशहूर मेज़बान अब्दुल्ला सुल्तान ने अलीज़े की हिमायत करते हुए कहा कि एक लड़की के लिए दहशत और धमकी के दरमियान ऐसा कदम उठाना बहुत मुश्किल है। अरसलान नसीर ने कहा कि लड़का लड़की को बेनकाब कर रहा है, लड़की के दोस्त लड़की को बेनकाब कर रहे हैं, बीवी शोहर को, शोहर के दोस्त बीवी को, और हम सब बैठकर मज़े ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि औरों के पर्दे कायम रखो, अल्लाह तुम्हारे पर्दे कायम रखेगा। इससे कबल अदाकार फिरोज खान ने साबका अहलिया अलीज़े के इल्ज़ामात पर रद्द अमल दिया था। फिरोज खान का कहना था कि मुझे कानून की पासदारी करने वाले शहरी होने के नाते अदालत के इंसाफ पर मुकम्मल एतमाद है। अदाकार ने लिखा कि अलीज़े मेरी साबका अहलिया हैं और मैं इनकी सपोर्ट जारी रखूँगा, वो मेरे बच्चों की माँ हैं, इससे ज़्यादा इस मामले पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मुझे पाकिस्तान की अदालतों पर पूरा भरोसा है।